हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल आज आपको विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। और ये जो प्रश्न हैं ये गति, प्रकाश, ऊर्जा और बल से संबंधित हैं। इसके मैं दो वीडियो लाऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और आपके 68,500 लिखित भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसकी PDF आपको लिंक में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप PDF डाउनलोड कर लेते हैं और वीडियो छोड़ देते हैं, तो मतलब कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद PDF डाउनलोड करके पढ़िएगा, तो मतलब आपके अधिक से अधिक प्रश्न पहले से ही आपको तैयार मिलेंगे, तो आपको PDF पढ़ते हुए भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पर्पज़ और उसका कीवर्ड है EEDUPURPOSE। और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला प्रश्न है, बल का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और ये एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, बल का CGS मात्रक क्या होता है? ये होता है डाइन। अगला प्रश्न है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। अगला प्रश्न है, संवेग पी द्रव्यमान द्रव्यमान एम और वेग वी में क्या संबंध होता है? ये होता है P = mv। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किस नियम को कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का दूसरा नियम बल द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध दर्शाता है? ये दर्शाता है F = ma। न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? किसे कहते हैं? ये तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। पानी में तैरना किस गति के नियम पर आधारित है? ये है न्यूटन के तीसरे नियम पर। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। आवेग कैसी राशि है? आवेग सदिश राशि है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, और अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो कौन सा घर्षण बल होता है? ये होता है लोटनी घर्षण बल। कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, कार्य का SI तथा CGS मात्रक क्या होता है? SI मात्रक जूल होता है, CGS अर्घ होता है। ऊर्जा कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, गतित ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ये होता है K = ½mv² K = ½mv² होता है। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ये होता है U = mgh। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा किसका उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बंदूक से छोड़ी गई गोली कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? यह गतित ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? ये होता है वाट और ये एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये होते हैं 746 वाट। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, क्या कण की गतिज ऊर्जा गति की दिशा पर निर्भर करती है? नहीं। 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है? ये होता है 3.6×10⁶ जूल के बराबर होता है 1 kWh। अगला प्रश्न है, क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? नहीं। ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए। ये होता है E = mc². अगला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज
इस राशि का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल क्या कहलाता है, ये कहलाता है एन इंटू टी। आवृत्ति एन है और आवर्त काल टी है, इनका गुणनफल वन होता है क्योंकि आवर्त काल बराबर होता है 1/2 आवृत्ति, इसीलिए इसकी आवृत्ति की आवर्त काल से गुणा होने पर 1 प्राप्त होता है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ठोस में। ध्वनि की स्पष्ट सुनाई देने के लिए कितनी दूरी स्रोत की होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 11 मीटर की। अगला प्रश्न है, ध्वनि को किस इकाई में मापते हैं? डेसिबल में। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? ये फैदोमीटर में। फैदोमीटर में। सामान्य मानव कान के लिए सर्वथा का परास क्या होता है? ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है? आवृत्ति। स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? ये होना चाहिए 1/10 सेकंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे। सितार तथा कार के हार्न में किसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि का तारत्व तो अधिक होता है? सितार का। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? ठोसों में। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ये होती है अनंत। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। मृग मरीच का, कामा हीरे का चमकना किस प्रकार किस कारण होता है? ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायरोप्टर होती है। स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर ज़्यादा पास कर लेंगे कोई चीज़ तो दिखाई नहीं देती है ना, इसलिए 25 सेंटीमीटर दूरी रखेंगे आंखों से तो हमें अच्छी तरीके से दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, वाहनों के साइड मिरर किस दर्पण के बने होते हैं? ये बने होते हैं उत्तल दर्पण के। दर्पण का सूत्र लिखिए, तो 1/V/1/U बराबर 1/F। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? ये होता है यम बराबर V/U। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।